हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं एम्पायर पर 1-0 में एंड कैच। ये गेम प्ले मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंटरेस्ट होने वाला। सो गेम प्ले मस्ट एंड द कोच करना, हो सके तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके तो गाइस, बात करते हैं इस गेम प्ले की। तो हमारे पास फर्स्ट राउंड में ओनली प्योर सिक्वेंस है, सो ड्रॉप ही करना पड़ेगा। वैसे अगर एक जॉकर होता ना तो भाई मज़ा ही आ जाता, क्योंकि हमारे पास वैलिड एंड हाई कार्ड थे तो हम सीक्वेंस चेंज करके डिक्लेयर भी कर सकते थे। खैर, अब देखते हैं कौन कौन बंदा प्ले करता है। जो लेफ्ट पैर ये बंदा ड्रॉप कर देता है एंड जो सेकंड राइट पैर ये बंदा ड्रॉप कर देता है, सो हम भी कर देते हैं ड्रॉप एंड करते हैं इसी के साथ बैट स्किप। देखते हैं इन दोनों बंदों में से कौन बंदा डिक्लेयर करता है। ओके सो फाइनली गाइस, जो राइट पैर होता है ये बंदा डिक्लेयर कर देता है। एंड गाइस, जो सेकंड लेफ्ट पैर होता है ना, इस बंदे के साथ कुछ गलत ही सीन हो जाता है। ये बंदा डायरेक्ट 80 पॉइंट से लॉस होता है। इस बंदे की प्योर सिक्वेंस नहीं हो पाती। देख रहे हो गाइस, बंदे की प्योर सिक्वेंस नहीं हुई और डायरेक्ट 80 पॉइंट लग गए। वैसे ये बंदा एलिमिनेट हो सकता है क्योंकि इसके 80 पॉइंट हो चुके हैं, तो ये बंदा कब तक भी सर्वाइव करेगा। ओके सो अगेन गाइस, कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। डिस बाई गाइस, हमारे पास काफ़ी ओपी कार्ड हैं। प्योर सिक्वेंस है एंड 1 जॉकर है, सॉरी 2 प्योर सिक्वेंस है एंड 1 जॉकर है। सो आई थिंक हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं। सो डिक्लेयर करने के लिए हमको चाहिए 2 वेल्ट कार्ड। ओके, बंदे ने जे निकाला, कोई नहीं, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। एंड गाइस, हमारे पास भी स्पेस जे आ चुका है, सो मैं हर्ट में इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। वैसे बंदे ने हर्ट में जे निकाला तो ये बंदा आई थिंक 9 भी निकालेगा हर्ट में। अगर डैम में 9 निकालेगा तो हमारे लिए काफ़ी एडवांटेज होगा, क्योंकि हमारा सेट भी तो रेंज होना चाहिए ना। और ऐसे होता है ये बंदा हर्ट 9 डिस्कार्ड करता है इस बार। देख रहे हो, बंदे ने अपनी सीक्वेंस ही ब्रेक कर दी। कोई नहीं, क्लोडे से कार्ड ब्रेक करते हैं। एंड गाइस, हमारे पास इन्वेलर कार्ड 6 आता है, सो मैं जे को डिस्कार्ड कर देता हूँ। क्या पता अब जे के अकॉर्डिंग बंदा 9 डिस्कार्ड कर दे, लेकिन ये बंदा तो ओनली इन्वेलर कार्ड निकाल रहा है। कोई नहीं, क्लोडे से कार्ड ब्रेक करते हैं। एंड देखो अगेन इन्वेलर कार्ड, भाई ओनली 2 वेल्ट कार्ड चाहिए गाइस। और कहाँ पर देख रहे हो कितनी टर्न लग चुकी हैं। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। ओके, बंदे ने इस निकाला, कोई नहीं, क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं। ना गाइस, हमारे पास 3 आ चुका है, सो मैं 5 को डिस्कार्ड कर देता हूँ। अगर अब 5 के अकॉर्डिंग 6 आ गया हमारे पास तो हम सेट रेंज कर लेंगे। ओके एंड गाइस, देखो ये बंदा अगेन ओपन ऐसे कार्ड पिक कर लेता है। आई थिंक इस बार डिक्लेयर करेगा। ओके, अभी तो नहीं हुआ डिक्लेयर। देखते हैं राइट पेयर कौन सा कार्ड निकालता है। ओके, बंदे ने 8 निकाला, चलो पिक कर लेते हैं, क्योंकि हमारी 4th कार्ड की सीक्वेंस रेंज हो जाएगी ना। सो अब हम निकाल देते हैं हर्ट में 9 को, क्योंकि अब हमें डिक्लेयर करने के लिए चाहिए ओनली सिंगल कार्ड। सो क्या पता हमारे पास फ्यूचर में डायमंड में 5 या फिर 6 के अकॉर्डिंग कोई वैलिड कार्ड आ जाए। ओके सो हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं, या फिर 3 आ गए तो हम सेट नहीं कर सकते हैं। ओके तो देखते हैं आता या फिर नहीं। बंदे ने 8 निकाला, कोई नहीं, क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं अगेन। बंदा देखो कितना असर है भाई, किसकी प्योर सिक्वेंस नहीं हुई। देख रहे हो भाई, ऐसा बंदा तो मुझे पहली बार मिला है। एंड गाइस, देखो ये बंदा अगेन किंग को पिक कर लेता है, लेकिन इस बंदे से अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। अगर हम 2 वैलिड कार्ड पिक किए होते ना तो हम तो कब का डिक्लेयर कर चुके होते। लेकिन फाइनली गाइस, ये बंदा डिक्लेयर कर देता है। कोई नहीं, हमारे ओनली 7 पॉइंट ही लगे, ज़्यादा पॉइंट नहीं लगे। वैसे डिक्लेयर करते तो हमारे लिए काफ़ी एडवांटेज होता। एंड गाइस, देखो इस बंदे के पास 2 डबल थे, इस वजह से इसने होल्ड रखा था 2 को तो प्रॉपरली। खैर, कोई नहीं गाइस, अगेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। सो इस बार गाइस हमारे पास ओनली सिंगल जॉकर है, सो इस बार मुझे लग रहा है ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर गाइस यहाँ पे ना 10 जॉकर ही ना होता तो मैं 101% रिस्क लेता, क्योंकि हमारे पास एक और ऑप्शन रहती। सो इस बार तो गाइस देखो सकते हो 20 पॉइंट वाला बंदा ही प्ले कर रहा है भाई। सो रिस्क लेने का चांस बनता है नहीं, सो ड्रॉप ही कर देते हैं। एंड गाइस, देखो 40 पॉइंट वाले बंदे ने भी ओपन ऐसे कार्ड पिक कर लिया। देख रहे हो गाइस, एंड गाइस देखो, जिस बंदे ने ड्रॉप कर दिया था, जिस बंदे के पास 2 जॉकर थे, चलो वो तो उसकी मर्जी। सो गाइस, हम इसी के साथ कर देते हैं बैट स्किप। देखते हैं इन 4 बंदों में से कौन बंदा डिक्लेयर करता है। ओके सो फाइनली गाइस, जो 40 पॉइंट वाला बंदा होता है ये बंदा डिक्लेयर कर देता है। एंड गाइस, जो राइट पेयर होता है ये बंदा ओनली 12 पॉइंट से लॉस होता है। एंड गाइस, जो 93 पॉइंट वाला बंदा होता है ये बंदा ओनली 2 पॉइंट से लॉस होता है। सीरियसली,
ये बंदा तो एलिमेट होने का नाम ही नहीं रहा भाई, कब होगा एलिमेट? कोई नहीं गाइस, अगेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, एंड इस बारी गाइस अगेन हमारा बैड लक भाई। एंड जोकर देखो भाई, इस किस बंदे को दिया, जिस बंदे के ऑलरेडी 32 पॉइंट है, देख रहे हो गाइस। खैर अगेन ड्रॉ भी कर देते हैं गाइस, बैड लक हमारा। एंड गाइस 30 पॉइंट वाला बंदा प्ले कर रहा है, अब डीलर देखते हैं प्ले करता है या फिर ड्रॉप। वैसे हम चाहते हैं कि जो डिक्लेयर ना इस बार 95 पॉइंट वाला बंदा करे, और जो 32 पॉइंट वाला बंदा है ना, इस बंदे के पॉइंट इंक्रीज हों, तभी हमारे विनिंग चांसेस बनेंगे। एंड गाइस अब तो हमारे 67 पॉइंट हो चुके हैं, तो विनिंग चांसेस तो मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं, बट कोई नहीं, ट्राई तो करेंगे कि हम विन बन पाए। सो गाइस हम करते हैं अगेन बैट स्किप, देखते हैं कौन बंदा डिक्लेयर करता है। ओके सो गाइस, जिसका डर था वही होता है, आखिरकार अगेन 32 पॉइंट बंदा डिक्लेयर कर देता है। एंड गाइस देखो, राइट पेयर इस बार तो इजी हेलमेट हो जाता है, लेकिन इस बार डीलर के साथ कुछ गलत सीन हो जाता है, ये बंदा 46 पॉइंट से लॉस होता है। एंड गाइस जो 30 पॉइंट वाला बंदा होता है, ये बंदा ओनली 24 पॉइंट से लॉस होता है, देख रहे हो गाइस, गलत ही सीन होता जा रहा है भाई। सो अगेन गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, एंड इस बार देखो गाइस स्पिरिट्स क्वीन कहाँ पे है, जो कि हमको चाहिए था। मैं सोचा था कि गाइस जो डीलर होता ना 54 पॉइंट वाला, तो हम क्वीन को पिक करके हमारी सीक्वेंस रेंज हो चुकी होती और हमारे डिक्लेयर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते, बट कोई नहीं, हम भी ड्रॉप ही कर देते हैं। राइट पे ने भी ड्रॉप कर दिया, सो हम भी ड्रॉप कर देते हैं। सो अब हमारे पास गाइस एक भी चांस नहीं है ड्रॉप करने का। एंड गाइस देखो, इस बंदे के पास तो प्योर सिक्वेंस भी थी। खैर वैसे हमारे बीच प्योर सिक्वेंस रेंज हो सकती थी, क्योंकि हमारे पास भी वैलिड एंड हाई कार्ड थे, लेकिन इस बार तो गाइस बैड लक हमारा, ओनली प्योर सिक्वेंस है। खैर अब क्या ही कर सकते हैं। वैसे गाइस अगर हम इन कार्ड्सों से सर्वाइव कर पाए ना, सो मेक श्योर एक लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर देना। ओके तो देखते हैं कर पाते हैं या फिर नहीं। ओके चलो बढ़िया, इस बार तो जो सेकंड राइट पैर इसे बंदे ड्रॉप कर दिया, सो मैं सोच रहा हूँ कि राइट पैर ही ड्रॉप कर दे, सो 1v1 रहेगा, तो शायद हम पॉइंट डाउन तो कर ही पाएंगे। ओके सो देखते हैं बंदा प्ले करता या फिर ड्रॉप। ओके बंदे का टाइम आउट हो चुका, कोई नहीं, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। एंड गाइस हमारे पास 6 आ चुका है, सो 6 का हम सेटर ही कर लेते हैं। एंड अब हम निकाल देते हैं डायमंड में 8 को, क्योंकि डबल है, सो बंदा पिक कर सकता है, लेकिन नहीं पिक करता। चलो बढ़िया भाई, गलती से बंदा ना सेकेंड लाइफ रेंज करवा दे। ओके बंदे 9 काला, कोई नहीं, 9 पिक कर लेते हैं, सो हमारा सेट रेंज हो चुका है। सो अब हम निकाल देते हैं डायमंड में क्वीन को, लेकिन गाइस ये बंदा डायमंड में क्वीन को पिक कर लेता भाई। एंड गाइस देखो, इस बंदे ने इसको फॉलो करके 9 ही निकाल दिया। खैर अब क्या ही कर सकते हैं। ओके बंदे ने क्वीन काला, कोई नहीं, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। एंड गाइस हमारे पास 7 आ चुका है, सो अब मैं सोच रहा हूँ कि डायमंड में 8 को ही निकाल दूँ, क्योंकि हम सेट तो ब्रेक कर नहीं सकते, सो इस वजह से मैं डायमंड में 8 को निकाल देता हूँ। ओके क्योंकि हमने पहले भी निकाला था, बंदे ने पिक नहीं किया था, तो अगेन पिक नहीं करेगा, ऐसे होता ये बंदा पिक नहीं करता। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि हमारी जो है ना डायमंड 3 के साथ सीक्वेंस रेंज हो जाए, लेकिन यहाँ पे तो ओनली इनवैलिड कार्ड ही आए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बंदा जो है डिक्लेयर करने ही वाला है, क्योंकि स्मॉल कार्ड जो निकाल रहा है, मुझे लग रहा है भाई। ओके बंदे ने 4 निकाला, कोई नहीं, क्लोडे से गाइस कार्ड पिक करते हैं, अगर एक जोकर होता ना गाइस तो मज़ा ही आ जाता। ओके हमारे पास गाइस 5 आ चुका है, सो 5 को ही निकालें क्या? चलो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं, वैसे भी हमारे किसी काम का है नहीं, इसके लेटर कोई कार्ड भी नहीं है हमारे पास तो। ओके बंदे ने 10 निकाला है, लेकिन गाइस इस बार तो मुझे लग रहा है कि डिक्लेयर होने वाला है। ओके बंदे ने 7 ही निकाल दिया भाई, अपनी सीक्वेंस ब्रेक कर दी। सो क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं, वाह क्या बात है भाई, 2 आया हमारे पास, इससे कोई और अच्छा कार्ड नहीं आ सकता था। कोई नहीं, हम अपना सेट ही ब्रेक अप कर देते हैं, लेकिन गाइस ये बंदा देखो 6 को ही पिक कर लेता है भाई,
अब तो मुझे लग रहा है कि डिक्लेयर करने वाला है बंदा, लेकिन ये बंदा तो ओनली इनवैलिड कार्ड, सॉरी वैलिड कार्ड ये बंदा अरेंज कर रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि कभी कभी होता है बंदे वैलिड कार्ड अरेंज करते हैं। एंड गाइस देखो ये बंदा फाइनली डिक्लेयर कर ही देता है। कोई नहीं गाइस, हम इस बैट को लॉस हो चुके हैं। अगर हमारे पास सिंगल जॉकर होता ना तो हम बैट सर्वाइव कर सकते थे, खैर अब क्या ही कर सकते हैं। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, लव यू गाइस।